शराब की तस्करी करते तीन युवकों को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने पास से बड़ी मात्रा शराब बरामद की है। बालोद जिला में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत सिटी पुलिस ने तीन लोगों को 150 नग देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों तस्कर डोंडी लोहारा से शराब लेकर बालोद की ओर आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मालीघोरी के पास धर दबोचा। पुलिस ने तीनों तस्करों को अबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। ये होली के मद्देनजर पुलिस के द्वारा लगातार इस पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि डोंडी लोहारा की तरफ से एक मोटरसाइकिल में तीन व्यक्ति हैं जो शराब लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां पे घेराबंदी कर उनको पकड़ा और उनके पास से 150 पाव देसी शराब जब्त किया गया है, जिसमें उनके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत थाना बालोद में कार्रवाई की गई है, जिसमें जो आरोपी हैं वो है डोमेंद्र ठाकुर जो मालीघोरी का है, और प्रकाश देशमुख वो भी दुधली मालीघोरी का है, और एक तीसरा आरोपी है खिलेश कुमार मिश्रा जो शिकारीपारा बालोद का है। इसमें इनके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो खिलेश कुमार मिश्रा है उसके खिलाफ पूर्व में भी 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये होली के मद्देनजर इस पर जो अवैध शराब बिक्री परिवहन और जो सार्वजनिक स्थल पे शराब बेचते हैं और पिलाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।